अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू करते हैं अपना मजेदार ब्लॉग, और ब्लॉग शुरू करने से पहले सर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना, शुक्रिया। ईद होगी ख़त्म और रेगुलर रूटीन हो गई है शुरू। वैसे तो मैं कल भी शॉप पे आया थी लेकिन जल्दी चले गए थे क्योंकि काम ही कोई नहीं सी, लेकिन हनी ईद ख़त्म हो गई और यह काम ऐसा ऐसा चढ़ना अपनी रेगुलर रूटीन इधर वापस आ जाएंगे सारे, और हम चल रहे हैं शॉप पे और जाके देखने अज का की सीन है, क्योंकि कल तो असी कोई काम नहीं किया। लेकिन ईद तो पहले बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत बर्डन थी, लेकिन हमें पता चलेगा कि हूँ किस तरह का जाएगा काम खैर, और सारा थोड़े ना शेयर कराने। उन्हें जल्द शॉप पे पहुँची है, ऑलरेडी मैं लेट हाँ। मेरे नाम शॉप से सी आ गए, चल गया पंखा जी। अभी क्या डी फ्रीजर है जी, ईद तो पहले था सी लेकिन फिर पेंडिंग से चला गया। क्यों गया मैं तुम दस दवा, असी ने जी यदा फ्रीजर चेंज किया है, देख रहे हो ओपन प्लेट ए चेंज की, और इतो जिस टाइम फिटिंग करन लगे ना ए न्यू पाइप देखो साफ पाइप ने, तो जिस टाइम कंप्रैसर न चेक किया तो कंप्रैसर ही सड़िया हुआ सी, तो वजह तो फिर कम बढ़ गया था कि ईद आखिरी ईद एक दिन पहले की गल है, तो फिर जरा ना ईद तो बाद सैट करना सी, तो यदा कंप्रैसर आ गया हुआ वो पे पिछे न, ये हम कंप्रेसर चेंज होएगा, हम पता नहीं आज होएगा काम या कि दो होएगा वो पता चल जाएगा। और एक ऐ वाली फ्रिज है एदा पता नहीं की प्रॉब्लम है कंप्रेसर दा या कोई लीकिंग वगैरह वो पता चलेगा सानू। ये जड़ी बेबी वॉशिंग मशीन है ना, ये अंदर ऐ वाला जड़ा हिसाब किताब है ना, ए सिस्टम चेंज होना दोबारा तो, क्योंकि ये चो लीकिंग वगैरह हो रही है। अब ऐसे ऐसे मैं तुम्हें हर काम की अपडेट देना रहूँगा, जो जो होएगा इंशाल्लाह थोड़े दिन सब कुछ शेयर करेंगे। अब जिस तरह लाइट और गैस ईद के तीन दिन नहीं सिर्फ बंद हुई अदरवाइज बंद होती है, उसी तरह मौसम भी सिर्फ ईद तीन दिन नहीं बेहतर रहा, आज फिर दोबारा तो देखो वो ही गर्म धुप है। बिल्कुल लगता जनाब अल्लाह ताला की तरफों कंसेशन सी और वो ख़त्म हो गई है। मनी जनाब हनी मैं चाय बना रहा वा, चाय बना तरीका देख सकते हो, हमने सौंफ वगैरह डाल देंगे और देखते हैं कैसी बनती चाय। हमने सिर्फ पत्ती डाली है और चीनी भी डालना नहीं है। साड़ी जुगाड़ी चाय है, बाहर वाली चाय तो बेहतर है ना। ओके जनाब चाय रेडी हो गई है, सौंफ दालचीनी और चीनी पत्ती का कॉम्बिनेशन, चाय बड़ी मज़े की लग रही है। आप बनाई तो चाय सी लेकिन मज़ा ग्रीन टी वाला है, सच्ची जब बड़ी मज़े की चाय बन गई है। जनाब अज भी दोपहर हो गई है, हमने तक कोई काम नहीं किया, सुबह ही एक भी चीज़ को कुछ भी रिपेयर नहीं किया, सुबह से फ्री बैठे हैं बस चाय ही बना रहे हैं दो दिन तो। बस जनाब दुकान जी स्पेस रहा सी थोड़ी जी खुली की, चीज़ा वगैरह थोड़ी जी ऑर्गेनाइज करके रखिया ने, बाकी तो कुछ भी नहीं किया। वैसे मैं सुनिया है कि दो दिन बारिश की वजह तो ना काम से असर पै गया, यानी कि इन्ना सेंसिटिव काम है कि सिर्फ दो दिन बारिश हुई है और अज काम स्लो हो गया, पता नहीं असल च ऐसा या फिर ईद की वजह से थोड़ा जहा डाउन है काम। कल भी सिर्फ धुप है, उस बाद बारिशां फिर बात शुरू हो रही हैं, चार तो पाँच दिन बारिशां दे हैं इंटरनेट ते, बाकी बेहतर तो अल्लाह ताला नूं पता है। मैं खाना भी नहीं खाया क्योंकि खाने च सी गोश्त आलू गोश्त, लेकिन मैनू सालन नहीं पसंद, आलू गोश्त पसंद ही नहीं, गोश्त नहीं पसंद। कोई खास चीज़ होए कबाब या टिक्कियां वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होए तो खा लें, लेकिन खाली गोश्त वाला सालन नहीं। हूँ मैं जा रहा, मैं एक दुकान देखने वास्ते फर्नीचर की, वो दुकान खुली है या नहीं खुली वो मैं देखने जा रहा हूँ, चलते हैं थोड़ा जहा ही जाने अगे। जनाब दुकान तो बंद है फर्नीचर वाली, आज भी ना काफ़ी दुकाना बंद ने, फिर भी कुछ खुल गए हैं, होटल वगैरह भी आज बंद ही ने तकरीबन, और जो ना जी हो सकता है कल प्रॉपरली सारी दुकाना खुलनियाँ। जनाब तो छुट्टी हो गई है, उन्हीं मैं जा रहा वहाँ घर वापस, सारा दिन फ्री ही बैठे रहे हैं, काम है ही नहीं सी कोई। मैंने तो सुबह टाइम लग्या सी कि हो सकता है कि अच्छा रेगुलर काम शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छी तो अल्लाह की मर्जी हो जाएगा शुरू, उन्हीं चलते हैं घर वापस। और खाना नहीं मैं खाया यार, दरअसल ना गोश्त वाला सालन से मैं दसा सी थोड़ा पहले, तो गोश्त पसंद नहीं है मैं, तो रोटी मैं खाई कोई नहीं। खैर उन्हें चल के देखते हैं घर कि अपने खाने वास्ते कुछ है या फिर नहीं, या फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब कि हूँ ही तो जाहिर जी गल है हर तरह गोश्त ही चल रहा है, बस मैनू नहीं पसंद, तो अलग गल है।
जनाब घर से भी बस कोफ्ते वगैरह बनाने की तैयारी चल रही है, हम ही चलते हैं बाहर और ऐसे अपने वास्ते देखने कि बाहर चल कुछ खा लेंगे। नमक मेन रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, सामने दुकान ना दिखाते हो पकौड़े और जलेबी जाओ मिल के खाने हैं, नहीं तो मैंने पहले बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जो लोग जनाब गोश्त ना खाते उन्होंने वास्ते आ टाइम बड़ा मुश्किल होंगे, लेकिन जो गोश्त लवर होंगे ने उन्होंने पूरे साल की पार्टी होंगी है। खैर अपनी पेट पूजा हो गई है और अज का ब्लॉग करने इतने खत्म, वीडियो पसंद है जल्दी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग से, बहुत सारा प्यार दोनों में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।